हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और बजाज फाइनेंस का जो Q4 का रिज़ल्ट आया है उसको देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का रिज़ल्ट रहा है। और ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिज़ल्ट है, करोड़ में है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। देखिए, इनका नेट इंटरेस्ट इनकम 6302 करोड़ का रहा है और Q4 FY19 में ये था 4656 करोड़ का, यानी मीन 35% अप रहा है इनका। अब की बार लगभग मान के चलिए कि ये मार्च के 15 के बाद तो COVID-19 और लॉकडाउन की प्रॉब्लम चल गई थी, और फीस एंड अदर इनकम में 929 करोड़ का रहा है, उसमें लगभग 45% ऊपर की तरफ है और 642 Q4 FY19 में था। और टोटल इनकम में देखिए इनका 7231 करोड़ का रहा है, पिछली बार था लगभग 5298 करोड़, यानी 36% ऊपर की तरफ है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में 2547 करोड़ का और पिछली बार था 1913 करोड़, यानी 33% इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में है। और नेट इंटरेस्ट इनकम में है 4684 करोड़ का और पिछली बार था 3385 करोड़, 38% अप है। तो अब इनका जो लॉस इन्होंने दिखाया है, लगभग देखिए ये लोन लॉसेस एंड प्रोविजन 856 करोड़ का, पिछली बार लगभग 34 करोड़ का ही था। और देखिए इसमें 2418% अप है और राइट ऑफ क्या है 1098 375 करोड़ का, पिछली बार था राइट ऑफ क्या है 1098 करोड़ का और पिछली बार था 375 करोड़ का, यानी मीन्स 193% अप है। तो इसी के वजह से डर लगा हुआ था जो अब COVID-19 और उसकी प्रॉब्लम जो बनी हुई है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखिए लगभग 1278 करोड़ का है और पिछली बार था 1812 करोड़ का, यानी मीन्स माइनस में है 29%। और आफ्टर टैक्स है देखिए 948 करोड़ का और पिछली बार था 1176 करोड़ का, यानी मीन्स 19% ये डाउन है। अब आप लोगों को इसका EPS भी दिखाने की कोशिश करते हैं जो इसका कंसोलिडेटेड में है, और देखना पड़ेगा कितना ये गिर गया EPS इसका, अर्निंग पर शेयर। लमसम देखिए अर्निंग पर शेयर में है 15.80 और पिछली बार था लगभग 27.32, पिछले क्वार्टर में, उससे पहले 20.39, यानी मीन्स EPS में भी भारी कमी आई है। और ये COVID-19 की जो प्रॉब्लम आई है तो उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां धराशायी हुई हैं, बट ये है कि इसका रेट भी भाव भी काफ़ी ऊपर की तरफ था, काफ़ी व्यूअर्स ऊपर के लेवल पे लेने की कोशिश कर रहे थे, बट ये कि 2000 तक ये आ गया है और 2000 से नीचे की तरफ ही आज थोड़ा सा बढ़ा है। देखिए ऐसे लोन बुक में भी लोन बुक इंक्रीज हुआ है 17% के आसपास, 27.44 मिलियन फ्रॉम 23.50 मिलियन इन FY19। तो लोन बुक इंक्रीज हुआ है इनका और कस्टमर फ्रेंचाइजी इंक्रीज 24% लगभग 42.60 मिलियन 31 मार्च 2020 तक था, और जो 2019 तक 34.48 मिलियन। तो इसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM ग्रू बाय 27%, 147,153 करोड़ एज 31 मार्च 2020 फ्रॉम 1,15,088 करोड़ एज 31 मार्च 2019। तो काफ़ी देखिए इसमें इनका बड़ा तो है बट प्रोविज़न भी काफ़ी किया गया है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि स्टॉक का भाव तो काफ़ी नीचे की तरफ आ गया है तो उसके वजह से दिक्कत बनी हुई है बजाज फाइनेंस में, और काफ़ी लोग इसमें ऊपर के लेवल पे अभी फंसे हुए हैं। मेन कारण है देखिए COVID-19 और लॉकडाउन, अब इसके वजह से जो कंपनियों के ऊपर प्रेशर बना हुआ है, तो उसमें से बजाज फाइनेंस स्पेशली NBFCs हैं, तो खुद कंपनी का कहना था कि लाखों ग्राहक इसके वजह से चले गए हैं। अब आने वाले दिनों में कितना ये ग्रोथ होगा, क्योंकि
कितना ये आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगा, कितना समय तक ये लेगा, ये महत्वपूर्ण है। अब सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना है और उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक तरह से प्रॉब्लम है, तो ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है फिलहाल रिजल्ट में। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि रिजल्ट एक तरह से मिक्स है, क्योंकि जो इंटरेस्ट इनकम है वो ग्रो हुआ है और प्रॉफिट में कमी पेशी आई है। COVID-19 की वजह से प्रोविज़न किया गया है। अब देखना पड़ेगा कि Q1 का जो रिज़ल्ट होगा किस तरह का होगा, Q2 का रिज़ल्ट होगा किस तरह का होगा। फिलहाल स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए, ये व्यू है, और अपना निर्णय एक लेने की कोशिश करिए आप। अब क्योंकि आप देखिए स्टॉक्स जितने भी ये सब नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो बजाज फाइनेंस भी एक दिग्गज कंपनी रही है, पिछले 5 से और 10 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, बट ये आने वाले 9 से 12 महीने तक ये प्रॉब्लम रहेगी बजाज फाइनेंस में। और ये आप लोगों को परसेंटेज वाइज जो रिज़ल्ट है उसको दिखाने की कोशिश थी। सिंपल तरीके से इसमें कमी पेशी आई है, प्रोविज़न भी किया गया है। तो अब आप लोगों को जो आज का ट्रेड था उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। आज ट्रेड हुआ था 19/5/2020 को बजाज फाइनेंस में, देखिए लगभग 1978 के आसपास इसका प्राइस है, ऊपर की तरफ बंद हुआ है। बट जो मोस्ट एक्टिव कॉल और मोस्ट एक्टिव पुट, देखिए पुट 1900 के आसपास आ गया, पिछली बार 2000 के आसपास है 28 मई 2020 का, और कॉल है 2200 के आसपास। इनमें जो हडल रहेगा 2200 के आसपास का हडल रहेगा 2200 के आसपास का रहेगा। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो देखिएगा कि अगर 2200 अगर क्रॉस करता है तो वहाँ से लमसम 100-200 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं 52 वीक लो बना रहा बजाज फाइनेंस, तो इसमें एक डिसीजन लेने की कोशिश करिए। फिलहाल जो अभी फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं लगभग 6 महीने से 1 साल तक इसमें प्रेशर रहेगा, और बजाज फाइनेंस में स्पेशली आप देख रहे हैं कि लगातार ये लो बना रहा है, जैसे SBI बना रहा है। और SBI का कारण तो थोड़ा सा दूसरा है, क्योंकि उसमें कोई भी कंपनी को बचाना हो तो SBI से कहा जा रहा है, और गवर्नमेंट का जो अभी तो PSUs को थोड़ा सा हेल्प होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, और जैसे कि बजाज फाइनेंस को हेल्प होना है तो बैंकों से कहा जा रहा है, और अगर किसी NBFCs को प्रॉब्लम है तो SBI से कहा जा रहा है, तो वो SBI को हर्ट कर रहा है, और प्लस एक लॉकडाउन का जो बढ़ना है वो भी एक हर्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से SBI का स्टॉक गिर रहा है। अभी बजाज फाइनेंस में भी यही रीज़न रहा है, लॉकडाउन और COVID-19 की जब प्रॉब्लम नहीं थी तो ये ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा था। और इसमें एक सिंपल सा आप लोगों को लॉजिक बताने की कोशिश करते हैं, बजाज फाइनेंस में जो ग्रोथ पिछले 5 साल में रही थी वो ग्रोथ आने में इसको समय लग सकता है। और दो तीन वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बताने की कोशिश थी कि ये इसमें खुद जो प्रबंधन है राजीव बजाज, उनका उनका खुद का कमेंट था कि अभी ग्रोथ आने में जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ेगा तो प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि खुद जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो बजाज फाइनेंस के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो सामान नहीं लेंगे तो सेल नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है फिर इनकम नहीं होगी। लोन अगर देंगे, अगर लेने वाले ही नहीं होंगे, अगर ये लोन भी देंगे और लेने वाले नहीं होंगे तो इनकम नहीं हो पाएगी, तो ग्रोथ कम होगी आने वाले क्वार्टर्स में, Q1 में, Q2 में, तो उसके वजह से स्टॉक में प्रेशर रहेगा। सिंपली से आप देखिए ये एक मान के चलिए, इसीलिए देखिए बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, बड़े आप दिग्गज बैंक HDFC बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे गिर रहे हैं अभी, और छोटे मझोले शेयर जो बैंक्स हैं उनमें तो बहुत भारी गिरावट है। SBI को देख लीजिए 150 रुपये से नीचे की तरफ चल रहा है, तो बजाज फाइनेंस का शेयर में अभी जो ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं तो डिसीजन लेने की कोशिश करिए। और ये लगभग 3-3.5 हज़ार के ऊपर था, तब भी बताने की कोशिश थी COVID-19 और लॉकडाउन की वजह से इसमें दिक्कत रहेगी आने वाले समय में, क्योंकि देखिए मार्केट एक तरह से 6 महीने पहले चलता है, तो इसी की वजह से देखिए अभी ये ग्रोथ होती या फिर अच्छा होता तो ऊपर की तरफ लमसम 3,000-3,500 तक जाने की कोशिश करता, बट ये है कि पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न भी दिया है। अब जो है ये इसका अभी समय थोड़ा सा ख़राब है या मुश्किल है, तो देखना पड़ेगा कि 6 और 1 साल में ये कितना भी बजाज फाइनेंस में ग्रोथ होती है, तो उसी के अनुसार स्टॉक कारोबार करेगा। अभी आप देखिएगा रिजल्ट, इस रिजल्ट के बाद जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनका भी टारगेट आएगा, लगभग 2700 तक तो आ ही गया है जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं, पहले 3200 था, फिर 3000 हुआ, फिर 2700 हो गया। अब देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या टारगेट देते हैं।
तो सबका अपना अपना व्यू होता है। फिलहाल रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होता है कि 50% नीचे की तरफ मिल रहा है, 70% नीचे की तरफ मिल रहा है, उसमें ज़्यादातर फंस जाते हैं। अच्छी कंपनी है नो डाउट, बट ये है कि अभी इस वक्त जो पोजीशन है वो बताने की कोशिश है आप लोगों को। अगर जो ये समझिए कि 5 साल पहले किसी ने स्टॉक बहुत नीचे के लेवल पे लिया है तो अभी वो निकल रहे होंगे क्योंकि उनको तो प्रॉफिट ही हो रहा है। तो ये बजाज फाइनेंस में अभी स्टॉक का भाव बहुत ऊपर की तरफ है और इसकी ग्रोथ आने वाले समय में कम होगी। तो ये आप लोगों के लिए अपडेट था, Q4 का रिजल्ट था और ये आज का जो ट्रेड था वो बताने की कोशिश थी, कुछ पॉइंट बताने की कोशिश थी क्योंकि जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो अभी क्या खरीदें इस गिरे हुए मार्केट में और क्या लें, ये सब कुछ होता है। तो इसीलिए ये व्यू बताने की कोशिश है आप लोगों को। इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया दिव्य सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।